आई थिंक नॉलेज विदाउट एक्शन इज़ यूजलेस. तो हमें जो इल्म हासिल होता है अगर हम उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करेंगे तो मतलब वो यूजलेस ही होता है. वी आर हैप्पी टू कम स्कूल आफ्टर थ्री मंथ्स मीटिंग आवर फ्रेंड्स टीचर्स. वालेकुम. वी हैव कम टू स्कूल आफ्टर अ लॉन्ग विंटर ब्रेक ऑफ थ्री मंथ्स एंड वी आर रियली एक्साइटेड फॉर दिस सेशन. यू नो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू स्टडी मोर ऑन दिस सेशन एंड टू परफॉर्म बेटर देन लास्ट ईयर. एंड वी आर रियली एक्साइटेड टू मीट आवर फ्रेंड्स एंड आवर टीचर्स हियर. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु. मैं बरीरा इशफाक हूँ और मैं नवी जवाब में पढ़ती हूँ. आज हम तीन महीने के विंटर वेकेशन के ब्रेक के बाद वापस स्कूल आए हैं और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड क्लासमेट्स से मिलने के लिए, अपने फ्रेंड्स से मिलने के लिए, अपने टीचर्स से मिलने के लिए. और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं अब इस नए सेशन के लिए. और मतलब हम चाहते हैं कि हम इस साल पिछले साल से ज़्यादा बेटर परफॉर्म करें, पिछले साल से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करें. और हमारी लाइफ में भी जो इल्म होता है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है. और मतलब अगर कहते हैं कि नॉलेज विदाउट एक्शन इज़ यूजलेस. तो हमें जो इल्म हासिल होता है अगर हम उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करेंगे तो मतलब वो यूज़लेस ही होता है. तो हमें चाहिए कि हम मतलब जो भी हम नॉलेज हासिल करें उसे हम प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में यूज़ भी करें और साथ ही मतलब स्कूल में भी बेटर परफॉर्म करें. वी आर हैप्पी टू कम स्कूल आफ्टर थ्री मंथ्स मीटिंग आवर फ्रेंड्स टीचर्स से मिलते हैं, अपने क्लास में जाके स्टडी करते हैं. हमको नहीं लगता कि हमको अपने क्लास से ज़्यादा कहीं और स्टडी मिलता है. किस क्लास में पढ़ते हो? सेकेंड. बहुत वालेकुम. वी हैव कम टू स्कूल आफ्टर अ लॉन्ग विंटर ब्रेक ऑफ थ्री मंथ्स एंड वी आर रियली एक्साइटेड फॉर दिस सेशन. यू नो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू स्टडी मोर ऑन दिस सेशन एंड टू परफॉर्म बेटर देन लास्ट ईयर. एंड वी आर रियली एक्साइटेड टू मीट आवर फ्रेंड्स एंड आवर टीचर्स हियर. वी आर रियली हैप्पी एंड ग्लैड टू मीट आवर टीचर्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड वी आर एक्साइटेड फॉर देम टू स्टडी अस और टीच अस अबाउट न्यू थिंग्स एंड बिकम मोर प्रैक्टिकल इन लाइफ. मतलब इतने लंबे विंटर वेकेशन के बाद हमें बहुत मतलब ज़्यादा अब हम एक्साइटेड हैं मतलब नई चीज़ों को जानने के लिए, अब नई नई चीज़ें पढ़ने के लिए और नए नए कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए. और हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम जो भी मतलब सीखें उसको हम मतलब प्रैक्टिकली परसीव करें और उसको हम प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई भी करें. वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु. क्लास सेकेंड. मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. मैं तीन मंथ के बाद स्कूल आया. मुझे बहुत ज़्यादा खुश अच्छा लगा. यहाँ बहुत अच्छा खुशी हुई.